हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कुक विद मिथिलेश में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं पनीर बॉल्स, जिनको बनाना बहुत आसान है और ये पनीर चीज बॉल्स खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी आसान सी रेसिपी। आज बनाएंगे पनीर बॉल्स। तो पनीर बॉल्स बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम पनीर लिया। इस पनीर को हम मैश कर लेंगे, इस तरीके से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। पनीर हमारा मैश हो जाए तो इसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू और इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कट किया हुआ प्याज, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास एक उबला हुआ आलू पहले से ही रखा था जिसमें मैंने मसाला मिक्स किया हुआ था। अगर आपके पास उबला हुआ आलू पहले से रखा हुआ है या आलू की पिट्ठी आपके पास रखी हुई तब आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें एक फ्रेश आलू को उबाल के डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कोई सब्जी और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं सिर्फ इसमें गाजर ही डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक और 3 चम्मच डालेंगे ब्रेड क्रम्स, जिससे कि जो पनीर में नमी है वो इसमें खत्म हो जाए। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं या आप इसमें चीज डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी ये चीज डालूंगी और इसको बंद करके बॉल की तरह हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बॉल्स हमारी बन करके तैयार हो गया। अब इसके लिए हम एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो घोल बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 2 से 3 चम्मच हम मैदा डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। अब ये मेरे पास कुछ ब्रेड क्रम्स हैं और कुछ मैंने ये चिप्स को मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लिया। ये इस तरह के आलू वाले चिप्स हैं, इनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लिया है। अब दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ भी बना सकते हैं या चिप्स वाले पाउडर के साथ भी बना सकते हैं। मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। इस तरीके से बनाने से इसमें खस्तापन भी ठीक आएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो सभी चीजों को हमने मिक्स कर लिया। अब एक एक बॉल हम इस घोल में डालेंगे और इसको निकाल करके ये ब्रेड क्रम्स वाले बॉल में डाल देंगे। इस तरीके से घुमाएंगे और इस तरीके से घूमने से ये अच्छे से कोट हो जाएगा। तो देखिए, ये बॉल्स हमारी तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डबल कोट भी दे सकते हैं, मैं इसको सिंगल कोट के साथ ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारी बॉल्स हमारी तैयार हो गया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलते हैं हम गैस की तरफ। तो देखिए दोस्तों, गैस पे हमने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसमें इस बॉल्स को डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो पलट पलट के चारों तरफ से हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन और खस्ता करारा कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, सारे पनीर बॉल्स हमारे सिकर के तैयार हो गए। इनको हम निकाल लेंगे और बचे हुए बॉल्स भी हम इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इन बॉल्स को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तैयार है हमारे पनीर चीज बॉल्स बनके, जिनको बनाना बहुत आसान है। बाहर से एकदम खस्ता करारे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी है। ये पनीर बॉल्स बच्चे हो या बड़े हो, सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। रेसिपी अगर पसंद है तो ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।